हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़े, और ये कोई नॉर्मल कड़ी पकोड़े नहीं होंगे, हम बनाएंगे पहाड़ी स्टाइल कड़ी। तो उत्तराखंड में इसे झुल्ली भी कहते हैं। ये कड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम करीबन 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम पानी डालकर इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना बने। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स मिक्स मिक्स। तब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए आलू, प्याज और हरी मिर्च। आलू, प्याज, हरी मिर्च मैंने छोटा छोटा काट कर लिया है। आप देखेंगे मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ता है। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो अब ये हमारा पकोड़े का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। हमें इस तेल को अच्छे से गर्म करना है। तो अभी तेल गर्म हो चुका है, हम अपना बैटर इसमें डालेंगे। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा बैटर तेल में डाल दें। आपका तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तो हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही फ्लफी बनेंगे। तो देखिए एक तरफ से ये पक चुके हैं और थोड़ा सा फूल गए हैं। तो अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो कड़ी में डालने के लिए जो हम पकोड़े बनाते हैं, कभी भी हमें वो पतले नहीं बनाने चाहिए, वरना क्या होता है कि वो कड़ी में पूरा मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये अच्छे से हम दूसरी तरफ से भी इन्हें पका लेंगे। तो अब ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट, इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो इसी तरह से हमें और भी पकोड़े सारे अपने फ्राई कर लेने हैं। चलेंगे कड़ी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। दही थोड़ा सा आप खट्टा लें। वैसे ट्रेडिशनली तो छाछ यूज़ किया जाता है, छाछ से बहुत ही टेस्टी बनती है, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने दही यूज़ किया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। अच्छे से मिक्स कर दें, हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल इसे बिल्कुल अच्छे मिक्स कर लें ताकि बिल्कुल एक भी लम्स ना रहे हमारे बैटर में। तो देखिए इस तरह से आपको बैटर बनाना है, इतना ही स्मूथ। तो इसमें ऐड किया है मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, तो इसे हल्का सा मिक्स कर लें बस। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक को भी हल्का सा मिक्स कर लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका पतला सा बिल्कुल बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें लगभग 3 से 3.5 गिलास पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड करते करते ही आपको इसको चलाते रहना है। तो देखिए इतना ही पतला बैटर बनना चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए। तो अब ये रेडी है। तो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे
और साथ ही डालेंगे मेथी दाना। मेथी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मेथी ज़रूर लें। अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, हुई अदरक, हरी मिर्च और ये लहसुन। तो हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे, तेल में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इनसे इन सब चीज़ों का फ्लेवर जो है तेल में आ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके इसे भून लें। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। तो देखिए थोड़ा सा बन गया। अब हम इसमें अब सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च, लाल मिर्च ही डालें क्योंकि हम पहले भी बैटर में लाल मिर्च डाल चुके हैं। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। जब हम मसालों को तेल में डालते हैं तो उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बैटर। तो अब इसमें बैटर ऐड कर दें सारा। बैटर ऐड करते ही हमें इसे स्टर करना स्टार्ट कर देना है। तो अब हम इसे बस चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो हमारा दही फटने का चांस रहेगा, तो इसलिए इसे बस इस तरह से चलाते रहें जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए। तो इसी तरह से इसे चलाते रहें। देखिए अब इसमें एक बॉईल आ चुका है। तो अब हमें इसे लो फ्लेम पे करके बस इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। एक तिहाई भाग इसका बिल्कुल कम नहीं हो जाता, जब तक 1/3 पार्ट इसका रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है ये कढ़ी। अब जब कढ़ी बिल्कुल पक जाए तब एंड में हम बिल्कुल अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। तो अब इसमें अपने पकौड़े ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने अपने पकोड़े सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखिए कढ़ी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कढ़ी आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।